आप देख रहे हैं द फिल्म न्यूज यूट्यूब चैनल। एसएस राजामौली की अपकमिंग पीरियड एक्शन ड्रामा फिल्म आरआरआर को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। दर्शक बेसब्री से फिल्म के रिलीज होने का इंतजार कर रहे हैं। फिल्म भारत में 12 अक्टूबर 2021 को रिलीज होगी। स्पीच मेकर्स ने आरआरआर के पहले सॉन्ग की रिलीज डेट का ऐलान करके फैंस को खुश कर दिया है। इस ऐलान के अनुसार फिल्म का पहला सॉन्ग 1 अगस्त को 11 बजे लॉन्च होगा। मेकर्स के इस ऐलान से फैंस काफी एक्साइटेड हैं। इससे पहले हाल ही में खबर आई थी कि आरआरआर के म्यूजिक राइट्स को टी सीरीज और लहरी म्यूजिक ने खरीद लिया है। इंडियन बॉक्स ऑफिस के मुताबिक फिल्म के म्यूजिक राइट्स खरीदने के लिए टी सीरीज और लहरी म्यूजिक ने भारी भरकम रकम चुकाई है। म्यूजिक राइट्स के जरिए 25 करोड़ की कमाई भी करने की खबर सामने आ रही है। जी हाँ, मतलब साफ है कि टी सीरीज और लहरी म्यूजिक ने इसके म्यूजिक राइट्स को 25 करोड़ में खरीदा है। इससे पहले फिल्म के राइट्स को लेकर भी खबर आई थी कि नेटफ्लिक्स ने फिल्म के राइट्स खरीदने के लिए अपनी काफी रकम चुकाई है। आपको बता दें, एसएस राजामौली की आरआरआर दो तेलुगु आदिवासी नेताओं अल्लूरी सीताराम राजू और कोमारम भीम के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में राम चरण तेजा और जूनियर एनटीआर मुख्य किरदार में हैं। इसके अलावा इस फिल्म में दो बड़े बॉलीवुड स्टार भी शामिल हैं। आलिया भट्ट और अजय देवगन भी इस फिल्म में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में नजर आने वाले हैं। राजामौली इस मेगा बजट फिल्म को विशाल बनाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सामने आई जानकारी के मुताबिक आलिया भट्ट पर फिल्माए गए एक गाने पर 3 करोड़ की रकम फूंकी गई है। फिलहाल फिल्म के पोस्ट प्रोडक्शन का काम जारी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की खबरों के लिए देखते रहिए द फिल्मी न्यूज़।